सी ए है फुस बम। क्या है? फुस बम, कुछ भी नहीं है सी ए। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के चंदे का जो धंधा किया है मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, वो चंदे का धंधा एक्सपोज हो गया। पूरे प्रदेश के अंदर जो इस समय ढर्रे से उतरा हुआ है सारा विकास, उसका भी कोई कुछ नहीं हो रहा है, तो सीए से क्या फायदा हो रहा है हमारे उत्तराखंड को? इस वक्त पूरे देश में एक विषय चर्चा का बना हुआ है, सीए को लेकर जगह जगह लोग कहीं विरोध करते भी नजर आ रहे हैं। क्या है एक्चुअल में सीए? हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना इस वक्त मौजूद हैं। सर, सीए सरकार ले आई है तो आप कैसे देख रहे हैं? सीए है फुस बम। क्या है? फुस बम, कुछ भी नहीं है सीए। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के चंदे का जो धंधा किया है मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, वो चंदे का धंधा एक्सपोज हो गया। चंदे के धंधे पर जो एसबीआई तोता बनकर के सुप्रीम कोर्ट में गया था, जो लताड़ लगाई है, जो फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने इनके वकील को भी और एसबीआई को भी, उस पूरी खबर को नीचे लाना था, स्क्रॉल में नीचे लाना था। वो खबर कैसे लगातार कल से शाम तक, जब तक सीए नहीं हुआ तब तक वो खबर मजबूरन सारे इनके गोदी मीडिया के चैनल्स को भी, सारे लोगों को वो पहले नंबर पर दिखानी पड़ रही थी। अब वो कैसे नीचे आवे, तो उसके लिए फुस बम को एक माचिस लगाई गई, सीए ले आया है साहब। क्या है सीए? कितने बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा सीए से? कितने किसानों को एमएसपी मिलेगी सीए से? सीए से देश के तमाम जो गरीब लोग आज संघर्ष कर रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर उनका मोहताज बना दिया गया, उनका क्या भला होने वाला है? सीए कुछ नहीं है, मूर्ख बनाने का एक इनका शिगुफा है, फुस बम है। उस फुस बम को इन्होंने कल चलाया, अपने लोग नचा रहे हैं। कौन नाच रहा है साहब? कौन खुशी बना रहा है? विरोध तो करते हुए कोई नहीं देखा मैंने। वो सैद्धांतिक रूप पे कोई उस मामले में कोई बात कह रहा, वो अलग बात है, लेकिन देश की जनता को क्या लेना देना? 140 करोड़ जनता का क्या लेना देना सीए से? कुछ नहीं है, ये शिगुफा है। और वो शिगुफा केवल और केवल इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो इनकी पोल खुलने जा रही है आज शाम 5 बजे से पहले पहले, उसको थोड़ा सा मेल्टडाउन करना, थोड़ा सा उसको ठंडा करना, वो केवल शिगुफा था, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सर, पूरे देश के लोग एक्चुअल में जानना चाह रहे हैं, उसके साथ साथ उत्तराखंड के भी लोग जानना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, इसकी डेफिनेशन क्या है, किस लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि सरकार कह रही है कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए लोग थे 31 दिसंबर 2014, उनको नागरिकता सिर्फ यहाँ दी जाएगी। देखिए, हमें तो खुशी है, जो बांग्लादेश हो या कोई भी पड़ोसी देश हो, जहाँ हमारे हिंदू भाई, हमारे जैन भाई, हमारे ईसाई भाई, हमारे तमाम धर्मों के लोग, उसमें इन्होंने मुस्लिम छोड़ दिया। वो कह रहे हैं साहब मुस्लिम तो बहुसंख्यक हैं, अब चीन में मुस्लिम कहाँ बहुसंख्यक है, श्रीलंका में मुस्लिम कहाँ बहुसंख्यक है, पड़ोसी देश की अगर आप बात कर रहे हैं, लेकिन चलिए वो छोड़िए। उससे उत्तराखंड की आपने बात करी कि सीए सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल में, एक्ट में क्या उसका असर पड़ रहा है? कोई असर नहीं पड़ रहा है। ना तो अंकिता भंडारी वाले मामले में जो वीवीआईपी है उसका पता लग रहा है उससे, ना भर्ती घोटाले में हाकम सिंह का और संजय धारीवाल का हाकिम कौन था उसका भी नहीं पता लग रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर जो इस समय ढर्रे से उतरा हुआ है सारा विकास, उसका भी कोई कुछ नहीं हो रहा है, तो सीए से क्या फ़ायदा हो रहा है हमारे उत्तराखंड को? सीए से क्या फ़ायदा हो रहा है? देश को भी क्या फ़ायदा हो रहा है? अब वो उसको नचा रहे हैं, वो जो आई थी बेचारी पाकिस्तान से मोहब्बत में, उसको नचा रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं, अब उसी के लिए सीए बना है, बाकी क्या बना है? सर, अब चुनाव की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड की 5ों सीटों पर कांग्रेस की तरफ से भी प्रत्याशी नहीं आए, भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही 3 सीटों पर प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिए। आखिर कब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से कब घोषणा? मैं समझता हूँ बहुत जल्दी सहमति बन रही है, गढ़वाल पर लगभग सहमति बन गई है, कुमाऊँ की अल्मोड़ा सीट पर सहमति बन गई है, 3 सीटें हैं जिन पर अभी पैनल पे चर्चा हो रही है। बहुत जल्दी आपको 5ों प्रत्याशी हमारे देखने को मिलेंगे और उसके बाद हम पूरी कैंपेन शुरू करेंगे। भाजपा कह रही है कांग्रेस के पास चेहरे नहीं है, इसलिए देर पे देर कांग्रेस पार्टी करती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी में हरिद्वार में चेहरा नहीं है, पौड़ी में चेहरा नहीं है,
तीन जब घोषित कर दिए तो दो उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है क्या? अरे भैया रणनीतिक लड़ाई होती है, अभी कौन सा नोटिफिकेशन हो गया, चुनाव की घोषणा हुई नहीं, चुनाव का कार्यक्रम जारी हुआ नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा साहब, कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है, तो कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है तो तुम निर्विरोध चुन के चले जाओगे, बड़ी खुशी की बात है। मूर्तापूर्ण बातें हैं ये, मैं समझता हूँ कि इस तरह की बातें पॉलिटिकल पार्टीज़ को शोभा नहीं देती। जिस समय समय आएगा हम लोग अपने पांचों प्रत्याशी आपके सामने लाएंगे, पार्टी के प्रत्याशी कौन हो ये कांग्रेस को चिंता करनी चाहिए, बीजेपी को चिंता थोड़ी करनी चाहिए। आखिर सवाल सर, पार्टी कांग्रेस का अगर देखा जाए तो पिछले कुछ समय से पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, हाल ही में मनीष खंडूरी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्य ली, उसके साथ साथ सेमवाल वो भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थामा है। ये मौसम है, हर आदमी की क्षमता होती है विरोध करने की, विरोध में रहने की, सरकार का विरोध करने की, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने की, उसके लिए लड़ाई लड़ने की, जनता के लिए संघर्ष करने की, हर एक व्यक्ति की क्षमता है। जिनकी क्षमताएं समाप्त हो गई, जिनके अंदर विरोध करने का मादा बचा नहीं, तो वो छोटे मोटे लालच में वहाँ जा रहे हैं, छोटे मोटे प्रलोभन में जा रहे हैं, चाहे पद का, चाहे ठेकेदारी का, चाहे टिकट का। लेकिन आप देखना, इनमें से 95% लोग आपको पार्लियामेंट के चुनाव के बाद नाक रगड़ते दिखेंगे कांग्रेस में वापसी करने के लिए। चलिए बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ बात कर रहे थे उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना, जिन्होंने सीए को लेकर बात की है, उसके साथ साथ आने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में उन्होंने साफ कहा है कि जल्द ही सभी प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी और कांग्रेस इस वक्त इस लोकसभा चुनाव में भावड़ी सीटों भारी बहुमत से उत्तराखंड में जीतने जा रही है। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट जॉन जैदी के साथ आदिल पाशा, टीवी 9।